तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है मेरे जितने भी नेवी एस और एम के बच्चे हैं लगातार आप हर जगह कमेंट कर रहे थे ऑब्वियसली ये पूरी एक्सपेक्टेशन थी भी बेटा कि 15 मार्च को रिजल्ट आएगा बट कुछ कारणों से रिजल्ट डिले हुआ एंड वी आर एक्सपेक्टिंग ऑन 25, बट संडे पर जाने की वजह से फाइनली 26 को आपके पास रिजल्ट है और यही दबाव आप देख लीजिए कि फिजिकल कितना फास्ट तरीके से शुरू कर दिया उन्होंने पाँच अप्रैल से फिजिकल शेड्यूल क्योंकि यही इनका दस दिन डिले हो गया जो आपको पंद्रह बीस दिन का समय मिलता है फिजिकल के लिए उस समय को उन्होंने काटा क्योंकि रिजल्ट में डिले हो रहा है तो फिजिकल को जो शेड्यूल फेज़ टू का था वो तो पहले ही प्लान था कि इनको करना ही था पाँच अप्रैल से ओवरऑल तो वो शेड्यूल अपने ही टाइम पर है बट रिजल्ट का शेड्यूल बेटा यहाँ थोड़ा सा डिले देखने को मिला था एक बार बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन आप सभी बच्चों को एंड मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर बच्चों ने क्वालीफाई किया है सबके चेहरे पर खुशी है और बढ़िया अपॉर्चुनिटी है बेचा बढ़िया से अब जाना है फेज टू के लिए बच्चा अच्छे से देना है बिल्कुल फिजिकल स्टैंडर्ड में बहुत टेंशन नहीं लेना है जितना भी क्राइटेरिया है हाइट का मेल फीमेल वो पहले ही मैंने बता दिया एक सेंटीमीटर मेल का हो गया फीमेल का एक सेंटीमीटर हो गया फिर बात हुई थी वन किलोमीटर का रेस जो मेल कर रहे हैं सिक्स मिनट थर्टी सेकंड में और फीमेल जो करें उनको एट मिनट का समय मिला हुआ है स्क्वाड्स जो है मेल के लिए ट्वेंटी है फीमेल के लिए फिफ्टीन है पुषप्स केवल मेल के लिए जो कि बारह है और सीटअप केवल जो है फीमेल के लिए जो कि टेन है तो बिल्कुल बढ़िया अपॉर्चुनिटी है और बिल्कुल अच्छे से जाना है फिजिकल देना है मुझे बड़े अच्छे से याद है कि खूबसूरत डेट जब शुरू हुआ फॉर्म भरना आप सबका आठ बारह को जो है फॉर्म घोषित हुआ अट्ठाईस बारह तक अप्लाई करना था सात आठ नौ फरवरी को एग्जाम हो गया उसके बाद फिर लगातार रिजल्ट का ही दबाव था कब आएगा थर्टी डेज तो आइडियल है ही थर्टी डेज के आसपास ले ही जाएंगे रिजल्ट लेकिन अब इसको आप देखें तो थर्टी डेज से बच्चा अबब अब चला गया ओवरऑल ठीक है ना ओवर चला गया मैक्सिमम टू मैक्सिमम चला गया बट वो देखिए खामियाजा फिजिकल को देखने को मिला कि नहीं मिला ओवरऑल बट चलिए उन बातों को अब छोड़ते हैं फाइनली हम लोग आगे बढ़ते हैं एडमिट कार्ड जल्द से जल्द इसका भी आपको अपडेट हो जाएगा पोर्टल पे अपडेट हो जाएगा कोई दिक्कत की बात नहीं लॉग इन करके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा अभी अगला वीडियो जब लेके आऊंगा मैं बच्चा तो उसमें आपको एक्जेक्टली शेयर करूँगा कि फेज़ टू में क्या ध्यान रखना है क्या क्या अहम चीज़ें हैं क्या इस बार डॉक्यूमेंट्स क्या क्या कैरी करने हैं इन सारे पहलुओं पर मैं आपसे डिटेल में बात करूँगा फिर से एक बार बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन जिन बच्चों का जो है फाइनली जो है रिजल्ट क्लियर हो गया है जिनका नहीं हुआ है उन्हें भी घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि अप्रैल में पुनः आप देख रहे हैं अपना दोबारा फॉर्म इंडियन ने का आने वाला है उसका भी एग्जाम डेट बहुत फास्टेस्ट होगा फॉर्म आएगा आप समझ लो डेढ़ से दो महीने के अंदर सारी प्रक्रिया डन कर दी जाएगी दैट तो मीन आपका एग्ज़ाम डन हो जाएगा तो बिल्कुल जो बच्चे नहीं भी हुए सफल उनको भी घबराने की जरूरत नहीं आप पुनः अपनी तैयारी में रखिए बेटा अगले अपॉर्चुनिटी में आपको जरूर बेहतर ढंग से मौका मिलेगा एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेन जितने भी हमारे सफल बच्चे हैं बाकी फेज़ टू के लिए मैं आपको एक डिटेल वीडियो लेके आता हूँ जिसमें सारी बातें मैं टेक्निकली आपसे करूँगा कि क्या क्या आपके लिए है क्या क्या जरूरी है तो फिर से एक बार दिल से यार बहुत खुशी है क्योंकि आप लगातार पूछ रहे थे तो भी थोड़ा सा ये लग रहा था कि अब एक्जैक्टली exactly आ जाएगा तभी रिजल्ट की बात करें क्योंकि फिफ्टीन पूरा पूरा, पूरा बेटा एक्सपेक्टेशन था बट जैसी जानकारी हमें मिले नेवी ने के थ्रू कि रिजल्ट थोड़ा सा डिलेड है तो पच्चीस तक एक्सपेक्टेशन थी वो उसी हिसाब से रिजल्ट आ गया लेकिन फेज टू की डेट में इन्होंने कोई चेंज नहीं किया है तो बिल्कुल फटाफट कमर कसी अच्छे से तैयारी करिए जो भी दौड़ रहे हैं जैसा भी कर रहे हैं प्रैक्टिस बढ़ा दीजिए बच्चा खुद को आप फिजिकली फिट रखिए और बिल्कुल जाइए और फेज टू में फोड़ के आइए जल्दी ही फेज टू की स्पेशल वीडियो आपके सामने होंगे तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं विश्व ऑल गुड लक जय हिंद जय भारत